मैं हूँ उस्मानी शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन स्पून। आज हम आपके लिए लाए हैं चिकन मलाई टिक्का की रेसिपी। अक्सर हम चिकन मलाई टिक्का बाहर से ऑर्डर करते हैं या फिर इसे खाने के लिए बाहर रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन आज इस रेसिपी को देखने के बाद आप इसे बाहर से ऑर्डर करना बंद कर देंगे। चलिए देखते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को आसानी से बनाने का तरीका। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप थिक दही, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। एक चौथाई कप फ्रेश क्रीम, यहाँ मैंने 10 से 12 काजू को आधा घंटा पानी में भिगो कर रखा था और फिर उसके बाद उसका पेस्ट बना लिया है, वो ऐड करेंगे। एक चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च ऐड कर सकते हैं। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दो चम्मच कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक चौथाई चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, एक चम्मच लेमन जूस, एक चम्मच कसूरी मेथी, इसे थोड़ा क्रश करके डाल देंगे। आधा कप प्रोसेस चीज ग्रेट किया हुआ और एक चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ये बिल्कुल फ्री है। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आगे और इंटरेस्टिंग रेसिपीज आपके साथ शेयर करूं। एंड प्रेस द बेल बटन ताकि मेरी आने वाली सभी इंटरेस्टिंग रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। एंड ऑल्सो लाइक कमेंट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, थैंक यू। यहाँ मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन को 1-1 इंच के पीसेस में कट करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसे हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसे कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट करने रख सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। 1 घंटे बाद चिकन मैरिनेट हो गया है और सभी फ्लेवर कंबाइन हो गए हैं, इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने 8 से 10 बैम्बू स्टिक ली है, जिसे स्क्यूअर्स भी कहते हैं। मैंने इसे 10 से 15 मिनट पानी में भिगो कर रख दिया था। ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। अब इस स्क्यूअर्स पर ये चिकन के पीसेस को एक के ऊपर एक असेंबल करते जाएंगे इस तरह से। क्योंकि चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है तो ये बहुत ही इजीली चला जाता है, और जो स्क्यूअर्स हमने भिगो कर रखा था उसका ये भी रीज़न है कि जब हम इसे कुक करते हैं तो ये बिल्कुल भी जलते नहीं है। तो इस तरह से हमने सभी चिकन के पीसेस को अरेंज कर लिया है। अब एक नॉनस्टिक पैन या ग्रीन पैन लेंगे, इसके ऊपर 1 चम्मच कुकिंग ऑयल और 1 चम्मच बटर डालकर इसे स्प्रेड कर लेंगे। फिर इस तरह चिकन मलाई टिक्का को अरेंज कर लेंगे। इसे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे और ये जो बचा हुआ मैरिनेशन का मिक्सर है उसे इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। 2 मिनट बाद इसे पलट देंगे और इसे भी 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे ढककर 10 से 12 मिनट चिकन को कुक होने देंगे। इसे बीच बीच में पलटते रहेंगे ताकि ये इवनली कुक हो जाए। 10 से 12 मिनट बाद गैस की फ्लेम को हाई कर इसका पूरा पानी सुखा देंगे। चिकन मलाई टिक्का अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब हम इसमें तंदूर वाला टेस्ट लाएंगे। इसके लिए इसे 8 से 10 सेकेंड गैस पर हाई फ्लेम पर सेक लेंगे, जिससे आपको इसका टेस्ट और स्मेल बिल्कुल रेस्टोरेंट या ढाबे वाला लगेगा। इसी तरह से सभी मलाई टिक्का को सेक लेंगे, फिर इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा बटर स्प्रेड करके ऊपर से चाट मसाला डालकर इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो ये मज़ेदार चिकन मलाई टिक्का घर पर ही बनकर रेडी है और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ मैंने आपके साथ इसे शेयर किया है। आप इसे किसी रेस्टोरेंट या किसी ढाबे के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको ये घर पर बना हुआ चिकन मलाई टिक्का ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो फ्रेंड्स, बिना कोई देर किए इस सिंपल, जूसी, माउथ वाटरिंग और डिलीशियस रेसिपी
बनाकर मलाई टिक्का को घर पर ही ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और जल्द ही मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। सो टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।